नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं और ये रिमाइंड करा रहा हूं मैं कि लास्ट डेट है अप्लाई करने की एसएससी सीजीएल 2018 के लिए, वह है 4 जून 2018, 4/6/2018, और 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 4 तारीख तक है बहुत ज़्यादा सर्वर पे भीड़ हो सकती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करने के बारे में नए सोचिए, इमीडिएटली अप्लाई करें क्योंकि अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी अभी तक अप्लाई नहीं किया है और वो अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इमीडिएटली अप्लाई करें और लास्ट मोमेंट का वेट न करें जिससे कि कोई गड़बड़ हो जाए। एक तो ये बात है। नंबर टू कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं 2017 में जो टायर 3 की तैयारी कर रहे हैं, टायर 4 की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है उनके 480 मार्क्स है, 490 है, 500 है, 510 है, इस तरह के मार्क्स है और उनको कोई दिक्कत नहीं है, टायर 2 क्वालिफाई हो जाएगा, टायर 3 में भी रीजनेबल नंबर आ जाएगा तो भी उनको जॉब मिल जाएगी। मेरा ये मानना है कि कभी भी आप एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में नहीं सोचे, एक सिस्टम को क्वालिफाई करने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई कई बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टायर 2 2017 मेंस का एग्जाम कैंसिल होगा, मैं ये जरूर बोल रहा हूँ कि आपको 2018 में भी अप्लाई करना चाहिए ताकि कोई रिस्क न रहे। तो इसलिए रिस्क को अवॉइड करें, सिस्टम को क्वालिफाई करने की कोशिश करें। एग्जाम्पल के तौर पर पिछले साल 2016 में जो टायर 3 में बहुत अच्छे बच्चे थे जिन्होंने 490-500 टायर 2 तक स्कोर किया था, लेकिन उनका टायर 3 में 0 नंबर लग गए थे। क्यों लग गए थे? क्योंकि उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन या रूल फॉलो नहीं किया था। ऐसे ही टायर 4 में बहुत सारे बच्चे रह गए थे कि उनका टेस्ट क्वालिफाई नहीं हुआ था और डिजायर्ड जॉब थी जो उनको चाहिए थी वो नहीं मिली। तो ऐसा ही किसी स्टूडेंट के साथ न हो, इसलिए 2018 को अप्लाई करें। वो जो 2017 में स्टूडेंट टायर 3 टायर 4 की तैयारी कर रहे हैं तो वो रिस्क न लें। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट फ्रेशर है, उनको लगता है कि बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम का, 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं और इतने कम टाइम में तैयारी करना मुश्किल है, इसलिए 2019 की तैयारी करेंगे या 2019 में फॉर्म अप्लाई करेंगे। मेरा यह मानना है कि 2 महीने 3 महीने में भी तैयारी की जा सकती है अगर आपकी डेडिकेशन है, आपका पैशनेट है, आप उस प्रति जॉब के प्रति और आपके पास राइट कंटेंट है, राइट गाइडेंस है, तो 100% आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए वो स्टूडेंट भी 2018 के लिए अप्लाई करें जिससे कि इसी साल जॉब लगने की संभावना है वो बनी रहे। तो ये 3 बातें, एक रिमाइंडर कराया मैंने, रिमाइंड करवाया आपको कि ये 4 तारीख आखिरी डेट है, दूसरा कि 2017 वाले भी अप्लाई करें और जो फ्रेशर है जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन पता नहीं होगा वो भी अप्लाई करें। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।